इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। गर्मी उरूज पर है, जून का महीना है, 22-22 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। आपके अपने वुजरा जो हैं, आप अपनी हुकूमत पर बरस रहे हैं, वो कहते हैं हमाद अजहर को तो खुद नहीं पता कि कितनी लोड शेडिंग हो रही है। केपीके में आवाम से जाकर पूछ लें, 22-22 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। क्यों इतनी लोड शेडिंग हो रही है सर, इतने गर्म मौसम में? स्कूलों में बच्चे बेहोश होना शुरू हो गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका शाजिया। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। आजकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्मी है। हमारे मुल्क में बहुत वाफर बिजली है, कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बिजली के घर तो लगाए गए, क्योंकि वहाँ से कमीशन मिलता था, उसकी तरसील का सिस्टम नहीं बनाया गया। इसको ऐसा समझें कि घर में आप एक बहुत बड़ा पंप लगा दें पानी वाला, लेकिन उसके साथ पाइप कनेक्ट ना करें जो पानी वहाँ से उठा के कहीं और लेके जा रहा हो। तो पानी जितना मर्जी उबल रहा हो, जब तक आप उसे उठा के किसी जगह तक लेके नहीं जाते, तो वो किसी बाथरूम की टूटी में वो पानी नहीं आएगा। तो हमारा ये सबसे बड़ा सिस्टम जो तरसील का है, हमारी हकूमत ने आके तकरीबन 70 अरब रुपए खर्च करके 4000 मेगावाट का उसमें कैपेसिटी का इजाफा किया। तो 21000 से बढ़ा के हमने उसे 25000 कर दिया। अब साल में 3 से 4 दिन आते हैं जब हमारा वाटर का कोई क्राइसिस आता है या कोई तकनीकी खराबी आती है। ये जब पिछली दफा बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था तो मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था हेडक्वार्टर्स जो था। सर, वो तो समझ में आता है, सर, वो समझ में आता है, पूरे मुल्क में जो ब्रेकडाउन हुआ वो समझ में आता है। बात सुन लीजिएगा, लेकिन जो लोग 3400 रुपए एक यूनिट का दे रहे हैं सर, उनका क्या कसूर है? एक सेकंड, तहम्मल से पहले बात सुनिएगा। पहले ये ज़हन में रखा कीजिए कि शोर डालने से तो मसला नहीं खत्म होना ना। मसला अगर सर तो शोर तो करप्शन का, तो फिर आपकी असेंबली में तो आप लेकिन अपने तकनीकी हम शोर नहीं मचा रहे। अच्छा, उस पर बाद में बात कर रहे हैं। तो अभी तो आपके आपके संजीदा सवालों का जवाब दे रहा हूँ ना, तो संजीदा सवालों का जवाब संजीदगी से ताकि आवाम तक पहुंचे। अगर तो ब्लेम गेम है तो वो तो हो सकती है, उसका तो कोई कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि आवाम को पता हो कि वजह क्या है। अब इसमें एक तकनीकी प्रॉब्लम आई है और तब बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था और मेरी भी पहली दफा लर्निंग हुई थी कि जब मुल्की लेवल पे तकनीकी प्रॉब्लम आती है, फंडामेंटल इशू आता है, तो उस टाइम ऐसा नहीं होता कि आप बटन दबाते हैं तो कोई एक बिजली घर ऑन हो जाता है और वो बिजली देना शुरू हो जाता है। जब आप, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी को एक ही जगह पे रखना होता है बिजली की, तो डिमांड एंड सप्लाई जो है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आप कर सकते, इसलिए आपको लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। आपके पास बिजली घर तो बहुत सारे हैं, अब उनको स्टार्ट किया जाएगा, नेशनल ग्रिड में लाया जाएगा, इट्स गोना टेक टाइम। सर, आप 3 से 4 दिन को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जो है तरसील का निजाम दुरुस्त नहीं है, तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का फर्क है। मसला कहां है? डिमांड एंड सप्लाई का फर्क है, तलब ज्यादा है, पैदावार कम हो रही है, तीनों एक ही चीजें हैं। ये तीनों एक ही चीजें हैं। आपको 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 इसकी, क्योंकि ये अगेन एक टेक्निकल इशू है, मैंने जैसे कहा कि जब तक मैं नेशनल ग्रिड में नहीं गया था मुझे भी इसकी समझ नहीं थी और मैंने वहां सीखा। आपने इंट्रो में भी कहा, आपकी स्टेटमेंट्स मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अपोजिशन लीडर वो स्टेटमेंट दे रहा है। सर, मैं वो शॉर्ट्स चला दूं जिसमें आप लोगों के लोग टीवी चैनल्स पर आकर हर चीज का मलबा नून लीग पर डालते हैं या पीपल्स पार्टी पर डालते हैं। मैं एहतराम करूंगा, मैं बसाद एहतराम आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि आप सवाल जरूर रेज करें, लेकिन आप अपोजिशन की तरह कंक्लूसिव स्टेटमेंट ना दें, वो आपका नहीं बनता है। जर्नलिस्ट आप सर, आपके लोग सर, मैं नहीं डालती, वो कंपेयर करके परफॉर्मेंस को बता सर, अगर नूर आलम खान की बात भी अगर मैं कर दूं वो कहेंगे मेरी स्टेटमेंट है। सर, आप लोगों के लोग अगर ये बात करें कि फलां की जिम्मेदारी, ये काम भी नून लीग के जिम्मे। मैडम, आपने जो इंट्रो दिया उसमें आपकी अपनी कंक्लूसिव स्टेटमेंट थी और ये मैंने आपके शो पे बहुत दफा आपको मैडम 10-10 में आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपके शो पर और इनफॉर्मली भी ऑफ द रिकॉर्ड भी मैंने आपको बहुत दफा ये रिक्वेस्ट की है कि कंक्लूसिव स्टेटमेंट ना दिया करें, जर्नलिस्ट की तरह क्वेश्चन पूछा करें। सर, मुझे आपकी सजेशन की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे सवाल करना है, कैसे सवाल नहीं करना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। मेरा काम है सवाल करेंगे, जवाब देने दीजिए। मैं आपके
मैं आपका आपका जो भी सवाल है उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कई दफा आपके सवाल आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट है सर, ये आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है जिससे मेरा इत्तफाक करना जरूरी नहीं है। साल में वो ट्रैक चेंज नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते तीन साल में ट्रैक, तो जवाब देना आप मेरे चाहिए थी प्रोग्राम से पहले कि क्या तीन साल में ट्रैक चेंज हो सकते थे। आप मेरे क्वेश्चन पर क्वेश्चन ना उठाएं कि मेरा सवाल ठीक नहीं है। जी जी आइए आइए प्लीज आइए सवाल कीजिए। मैंने आपको जवाब दिया कि तीन साल में आपका नया ट्रैक वहां पर नहीं बिछ सकता। आप ML1 लेके आ रहे हैं, अरबों रुपए का वो मंसूबा लगना है और हम एक गरीब मुल्क है, हमारे पास रेडीली इतना पैसा अवेलेबल नहीं है। हम बिल्कुल नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की तरह नहीं है कि कर्जे लेकर मुल्क को डबोते जाए। हम जो मुल्क के रिसोर्सेज है उसके अंदर रह के प्रोजेक्ट लगाते हैं। तो आपका ML1 प्रोजेक्ट आ रहा है चाइना की कोलेबोरेशन के साथ, जब वो लगेगा तो आपके ये सारे मसाइल खत्म होंगे, लेकिन उसको सालों लगेंगे एक्टिवेट होने में क्योंकि एक बड़ा मंसूबा है। अब आप कह रही हैं ये तीन साल में नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं हो सकता था क्योंकि इसकी फिजिबिलिटी बननी है, इंटरनेशनल कंसोर्शियम है, उनके साथ डील्स होनी है, बिड्स होनी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो ये तीन साल में पटड़ियां चेंज नहीं हो सकती थी। तो सर ये जो आपके वुजरा फिर कौमी असेंबली में आकर कहते हैं कि गालियां तो उनको पड़ती हैं, चाहे वो लोड शेडिंग का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे आप लोगों की ओवरऑल कारकर्दगी का मामला हो। अब ये बात एंकर तो टीवी पर बैठ के नहीं करते, ये तो कौमी असेंबली में भांडा फूटता है, आप लोगों के खुद लोग जो है ना वो पूरी दुनिया के सामने करते हैं। और फिर जब अपोजिशन डेस्क बजाती है तो हमाद अजहर साहब कहते हैं ये तो बड़ा आसान है डेस्क बजवाना, बड़ा आसान है अपोजिशन से तालियां बजवाना। तो हर काम एंकर के जिम्मे डाल देना, एंकर के सवालों पर डालना, सर खुद भी अपनी भी लोगों की कारकर्दगी का कुछ जवाब देना, आप लोगों को भी आना चाहिए। आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ तो इतनी कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स पास ना किया करें। सर मैं फिर ये बात करूंगी, सर आप 10 बार ये बात करेंगे मैं 10 बार करूंगी कि आपकी ये ऑब्जर्वेशन का काम है, हो सकती है सर। आप बार बार मुझे जो है ना वो ब्लेम कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन आपको मैं ये ऑब्जर्वेशन आपको बहुत दफा आपके शोज पे पहले, तो सर मेरा इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है आपकी ऑब्जर्वेशन से। ये कहां लिखा है कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल ठीक होगी? जी आप बिल्कुल नहीं कीजिए, लेकिन इसका मेरा जवाब आपको ये है इस चीज का कि आप सवाल किया करें और उसका जवाब आए। जब आप अपने पर्सनल कमेंट करती हैं तो आप अपने तजिये में करें, मुझे बिठा के ना करें। अगर आपको गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इतनी बुरी लगती है और आपने उसके तजिया देना है और आपने इंट्रो में ये कहना है कि इस गवर्नमेंट का ये हाल है, इस गवर्नमेंट का कोई हाल नहीं, आप इस तरह की कंक्लूसिव स्टेटमेंट देंगे तो मेरी मौजूदगी में आ दे क्योंकि मैं गवर्नमेंट को डिफेंड करूंगा। सर मैंने काफ लीग से नहीं कहा आपसे नाराज हो, आप उसे इस्तेमाल करें। मैंने काफ लीग से नहीं कहा आपसे नाराज हो, मैंने MQM से नहीं कहा कि वो नहीं, ये आप सवाल कीजिए। तो मैंने इंट्रो में यही तो कहा है और मैंने क्या कहा है सर? मैं जवाब दूंगा। चले आप मेरा खल गुस्सा कर गई आज सर, लेकिन आप सवाल करेंगी तो मैं जवाब दूंगा। आपको अगर सवाल पसंद नहीं आता नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, इसमें कोई मेरी गलती नहीं है सर। नहीं मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता मैडम, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। सिर्फ दस बदस ये गुजारिश कर रहा हूँ, बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ दस बदस के कंक्लूसिव स्टेटमेंट ना दे। आप सवाल करें और आवाम को जवाब पता लगने सर, मुझे आपकी सजेशन इंटरप्ट ना करें, सवाल करें ताकि आवाम को सजेशन की जरूरत नहीं है सर कि मुझे कैसा सवाल करना है कैसे सवाल। बिल्कुल मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज़ आपको बता दें पाकिस्तान में अभी हाल ही में इस्लामाबाद में 52 बच्चे बेहोश हुए थे स्कूल में लाइट ना होने की वजह से। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता पाकिस्तान का सिस्टम कैसा है, गर्मियों में स्कूल कौन लगाता है? आपको पता होगा भारत में भी स्कूल लगते हैं लेकिन गर्मियों के टाइम पे, मतलब मई जून के टाइम पे स्पेशली ये वैकेशन होता है। लेकिन पाकिस्तान का शायद सिस्टम और कुछ होगा, वहाँ पे शायद विंटर वैकेशन चलता होगा ऐसा मुझे लगता है। तो गाइज़ आपने देखा एंकर को और ये शाहबाज गिल थे, शाहबाज गिल ये इमरान खान की पार्टी के मिनिस्टर हैं और ये कैसे भड़क रहे थे एंकर को लेकर। तो गाइज़ सिचुएशन ये है पाकिस्तान में कि एंकर खुद ही बता रही हैं कि 22-22 घंटे बिजली जा रही है पाकिस्तान के बड़े शहरों में, तो छोटे शहरों का तो आप भूल ही जाएँ हाल कैसा होगा। तो 22 घंटे बिजली जाना यानी 2 घंटे बस बिजली दे रहे हो, तो वो भी क्यों दे रहे हो मुझे ये समझ में नहीं आता। सीधा आदि मानव वाले युग में ले जाओ, 24 घंटे ही गोल कर दो। तो पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि अभी 22-22 घंटे बिजली जा रही है। हालांकि हिंदुस्तान में भी ये सिचुएशन थी गाइस, मैं बोल रहा हूँ थी, आपको याद होगा अगर आप छोटे रहोगे आज से 20-30 साल पहले सिचुएशन थी, लाइट बहुत जाती थी।
मतलब छोटे शहरों में तो डेफिनेटली लाइट 14-15 घंटे जाती थी, लेकिन पाकिस्तान में तो बड़े शहरों में अभी 20-20 घंटे की कटौती हो रही है, तो ये तो मतलब डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब 20 घंटे तो बहुत हो जाता है, तो एंकर खुद ही बोल रही है। तो अब इमरान खान करे तो क्या करे बेचारा, बजट पास करना था IMF जो है उसके बिना परमिशन के ये अपना मनपसंद बजट भी पास नहीं कर सकते, कर्जा इतना ज़्यादा इनके मुल्क में। हाल ही में हुआ क्या, पाकिस्तान में कोरोना था नहीं, अब ये भी एक इत्तेफाक है कि भारत के जो पड़ोसी देश थे वहाँ पे कहीं पे भी कोरोना नहीं था, केवल भारत बस में था। पता नहीं ये किस तरीके का वायरस है जिसमें लिखा है कि आपको इंडिया बस में फैलना है, मतलब ये थोड़ा सा इत्तेफाक ही है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, सभी देशों में केवल भारत में कोरोना था, और भारत में जो कोरोना था उसके कारण भारत लगभग लगभग 2 महीने से 2.5 महीने पूरा बंद था इस साल, और लास्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मतलब 2 बार हो चुका है भारत की इकोनॉमी में, आप सोच सकते हो असर तो पड़ना ही था, और असर पड़ा बहुत बुरा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मिल गए भारत के जो ऑर्डर्स, मतलब जो टेक्सटाइल के ऑर्डर्स मिल गए यूरोप के, और पाकिस्तान थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा गया। तो अब इनकी GDP कुछ प्लस में चली गई, हालांकि GDP का नंबर अगर आप देखेंगे तो भारत की GDP पाकिस्तान से ऑलरेडी 10-12 गुना बड़ी है। तो ये लोग मतलब पता नहीं किस मस्ती में रहते हैं, मस्ती क्या है। हालांकि एंकर देखिए आप, बेचारी परेशान हो गई लाइट गोल होने की वजह से, और वो जो इमरान का मंत्री है सहबाज गिल नाम है इसका, ये गिल साहब भड़क रहे हैं कि आप ये कर दें वो कर दें, जवाना फलाना ठिकाना। लाइट वगैरह की समस्या तो आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान सॉल्व कर सकता है, लेकिन आप समझ सकते हो पाकिस्तान में भी मैटर क्या है, करप्शन बहुत है भारत की तरह ही, तो सिचुएशन अलग है। गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।